सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 फोन के कोलर स्क्रीन पे फोटो कैसे लगाए, जो कि यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूँ आप अपने कोलर स्क्रीन पे अपना फोटो लगा सकते हो। जैसे कि अगर आपके फोन में डायलर है एंड कोलर स्क्रीन है, आप जैसे कॉल करते हो आप अपने कोलर स्क्रीन पे जो कि अच्छे अच्छे स्क्रीन फोटो लगा सकते हो एंड अच्छे अच्छे स्क्रीन वीडियो लगा सकते हो। अपने कोलर स्क्रीन पे आप लगा सकते हो एंड थीम्स भी उसका चेंज कर सकते हो एंड मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरे फुल डिटेल में बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फाइनली यहाँ पे जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा कोलर स्क्रीन पे अपना फोटो लगा सकते हो एंड यहाँ पे बेटर दोस्तों जो कि यहाँ पे फ्री फायर का फोटो एंड अच्छे फोटो आप लोगों को बताने वाला हूं आप सेट कर सकते हो, तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोगों को चल के बता देता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहां पे हम बात करने वाले हैं वीवो के B23 फोन के कोलर स्क्रीन पे फोटो कैसे लगाएं। जैसे कि अगर आपका ये कोल डायलर है एंड यहां से आप कोई भी नंबर को डायल करते हैं, अब यहां पे मैं नंबर को डायल करता हूं एंड यहां पे आप देख सकते हैं हमारे कोलर स्क्रीन पे जो कि कोई भी फोटो नहीं दिख रहा है एंड यहां पे आपको मैं फोटो लगा के दिखाने वाला हूं। जब भी आप अपने फोन पे डायल करोगे कोई भी नंबर, तो आपका यहां पे थीम चेंज हो जाएगा एंड आपका यहां पे स्क्रीन पे फोटो देखने को मिल जाएगा। आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, तो मैं आपको चल के दिखाता हूं कैसे आप अपने वीवो के B23 फोन में अपने कोलर स्क्रीन पे कोई भी फोटो लगा सकते हो, जो कि अच्छे अच्छे थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि उस एप्लीकेशन का नाम मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहां पे प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है एंड सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कोल स्क्रीन सर्च करना एंड कोल स्क्रीन पर फोटो कैसे लगाएं, इसे सर्च करना है। ये वाला जो कि ऑप्शन आपको आ जाएगा इस तरीके का, आपको ये वाला एप्लीकेशन देखने मिलेगा फोटो कोलर स्क्रीन डायलर, तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि ऑलरेडी पहले से मैंने अपने फोन में इसे डाउनलोड कर चुका हूं। इसे आपको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है। अब यहां पे इसे आप अपने फोन में ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपको कुछ इस तरीके का थीम वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपका ऐड आएगा, तो आपको फर्स्ट नंबर ऊपर पे क्लिक करना एंड यहां पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी पे आपको क्लिक करने के बाद यहां पे आपको नीचे वाले डायलर पर परमिशन देने के बाद आपको यहां पे देख सकते हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं और यहां पे डन नहीं करेंगे, लेकिन नीचे वाले पे हम क्लिक करके यहां पे सेव कर देंगे। उसके बाद हमें नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से हमें यह वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, तो यहां पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पे अलाउ परमिशन दे देना है। उसके बाद आपको यहां से बैग आना है। बैग आने के बाद आपको नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पे प्रोसेस इस पे परमिशन देना है। उसके बाद आपको यहां पे नेक्स्ट पे डन पे क्लिक कर देना है। तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे आपको क्लिक करना है, यहां पे आपको क्लिक नहीं करना, आपको डायलर देखने को मिल जाता है एंड यहां पे आपको मिल जाता है सेटिंग। सेटिंग पे आपको आना है एंड सेटिंग पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको डायलर देखने को मिल जाता है, डायलर स्पीड वगैरह इसके अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका डायलर जैसे क्लिक करोगे ऐड आएगा, तो ऐड पे आपको स्किप करना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्किप करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको डायलर देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। और ऊपर मिल जाता है आपको बटन, जो कि इसमें आपको पैसा पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे आपको मिल जाता है चेंज वॉलपेपर, तो चेंज वॉलपेपर पे आप जैसे क्लिक करते हो आपके पास ऐड आते हैं, ऐड को आपको स्किप करना है। यहां से आप ऐड को स्किप कर देंगे, उसके बाद आपको यहां पे बहुत सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहां पे फोटोस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो भी आप फोटो लगाना चाहते हैं अपने फोन पे लगा पाओगे। तो यहां पे मैं आपको फोटोस वगैरह लगा के अपने डायलर जो कि कोलर स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। तो ये जो कि हमारे फोन में थोड़ा सिलो डाउनलोड हो रहा है, जो कि लोडिंग ले रहा है, अगर आपका नेट फास्ट होगा तो ये जल्दी से आपको लोडिंग ले लेगा, उसके बाद आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पे आपको वीडियोस दिखाता हूं, यहां से आप वीडियोस भी सेट कर सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले मैं यहां पे वीडियोस आपको अपने कोलर स्क्रीन पे लगा के दिखा देता हूं, जो कि ये वाला वीडियोस मैं अपने फोन में डाउनलोड करूंगा, जो कि यहां पे हमें ऐड को करना है। अब यहां पे थोड़ा देर आपको ऐड को देख लेना है, उसके बाद आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पे मैं 29 सेकंड तक इसे देख लेता हूं, उसके बाद मैं इसे फ्री में डाउनलोड कर सकता हूं। इसे फ्री में डाउनलोड करने के बाद मैं अपने कोलर स्क्रीन पे लगा सकता हूं इसे, तो ये देखने में बेटर भी लग रहा है। इसे मैं जो कि
कि इसका ऐड देख लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इसे अपने कूलर स्क्रीन पे लगाऊंगा। तो आप भी इसी ऐड को देखने के बाद आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं चूंकि ऐड को देख चुका हूँ, यहाँ पे मैं इसे फ्री में डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फोन में ये फ्री में डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे इसे मैं अपने फोन में सेट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरे फोन में सेट हो चुका है, इसका मैं डेमो दिखाता हूं। तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहां पे ऐड आएगा, तो ऐड को हम यहां से स्किप करेंगे और स्किप करने के बाद मैं आपको इसका डेमो दिखाएंगे। तो यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल जाएगा। आप इस तरीके से अपने कूलर स्क्रीन पे इसे लगा सकते हो। अगर आप यहीं पर जाते हो जो कि आप इसे बैग आते हो, उसके बाद आप यहीं पर आते हो और यहां पर आपको मिल जाता है जो कि डायलर, यहां से कोई भी नंबर को डायल कर लेते हो और डायल करते ही आपका जो कि यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इस तरीके से आप अपने कूलर स्क्रीन पे अपना फोटो लगा सकते हो एंड वीडियोस लगा सकते हो। कुछ इस तरीके का आपको लाइव देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं अपने वीवो के B23 फोन में ही बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया दोस्तों काम करता हमारे फ़ोन पर, और इस तरीके से आप इसे कट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको आना फिर से सेटिंग पर एंड अगर आप चाहते हो फोटोज़ वगैरह लगाना तो आपको फिर से चेंज वॉलपेपर पे क्लिक करना एंड यहां पे आपके फोन पे एक ऐड आएगा, तो ऐड को स्किप करना है और यहां से स्किप करने के बाद आपको यहां पे बहुत सारे फोटोस वगैरह देखने को मिल जाएगा। अगर आपको फोटोस लगाना है यहां पे आपको डाउनलोड करना एंड आपके फोन पे ये फोटो सेट कर लेना है, जो कि यहां पे आसान है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। यहां पे फोटो है, आप लगा सकते हो। तो ये मैं फोटो अपने फोन पे लगाता हूं एंड यहां पे मेरे फोन में सेट हो जाएगा फोटो, ये सेट हो चुका है एंड यहां पे आप देख सकते हैं डेमो दिखाता हूं। तो यहां पे मेरे फोन में ये फोटो सेट हो चुका है, देख सकते हैं इस तरीके से हमारे फोन पे ये फोटो सेट हो चुका है। अगर आप इस थीम को चेंज करना चाहते हैं तो इस थीम को भी आप चेंज कर पाओगे। यहां पे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे फोटोस वगैरह, जो कि आपको यहाँ पे फ्री में नहीं मिलता है, लेकिन आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना फ्री में, जो कि आप ये वाला चाहते हो, फ्री फायर चाहते हो, जो भी आपको चाहते हो फोटो को डाउनलोड करना, ये जो कि फोटो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप कोई फ्री में नहीं डाउनलोड कर पाते हो तो इस पर आपको वॉच कर लेना इसे, क्योंकि आपको ऐड इसका देख लेना, उसके बाद इसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोग को बताया वीडियोस को, उसी तरीके से आप इसे भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड आपका खत्म होगा, आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इस तरीके से आप इसे क्लोज भी कर सकते हो। उसके बाद आपका ये जो कि ऐड खत्म होने के बाद आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने आप लोग को दिखाया था वीडियो को फ्री में डाउनलोड करके। तो मैंने आप लोग को बता दिया कैसे आप यहाँ पे फोटोज वगैरह अपने कूलर स्क्रीन पे लगा सकते हो एंड यहां पे आपको बताने वाला हूं आप अपने थीम को कैसे चेंज कर पाओगे। यहां पे आपको मिलेगा कोल बॉटम थीम, यहां पे क्लिक करोगे एंड आपके फोन पे ऐड आएगा। ऐड को आपको स्किप करना है, यहां से आप अपने ऐड को स्किप कर लेना। उसके बाद आपको यहां पे मिल जाएगा, जो कि यहां पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहां पे डायलर मिल जाएगा, बहुत सारे डायलर का थीम मिल जाते हैं। तो आप इसमें से कोई भी डायलर का थीम को लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद आते हैं, जो कि मैंने ए वाला लगाया। उसके बाद मैं यहां पे बैग आ जाता हूं। अब यहां पे आप इसे ट्राई कर सकते हो अपने फोन पे, आपके फोन पे काम करेगा 100%, जो कि मैंने अपने फोन पे इसे लगा लिया हूं। उसके बाद आप अपने फोन पे जो कि इसका थीम को लगाने के बाद आप यहां पे इसका डेमो देख सकते हैं। यहां पे डेमो मैं आपको दिखाता हूं, तो डेमो आपको दिखाता हूं। यहां पे इसके कैंसिल करते हैं, यहां पे आपको कुछ इस तरीके का आप इस तरीके से कॉल को उठा सकते हैं एंड कट कर सकते हो। लेकिन यहां पे वॉलपेपर अगर आपको चेकिंग करना है तो आप यहाँ पर अपने फ़ोन के डायलर पर आओगे एंड यहाँ से आप इसे परमिशन दोगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा परमिशन। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं परमिशन मिलने के बाद आप यहाँ पे सेट कर देना। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे जो कि ये वाला डायलर को आपको यूज करना पड़ेगा। ये वाला डायलर को आप अपने फ़ोन में यूज करोगे तभी जाके आप वॉलपेपर एंड फोटो को यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर जो कि मैंने डायल करके दिखाता हूँ नंबर को, तो यहाँ पे मैं नंबर को डायल कर लिया एंड मेरा स्क्रीन पे जो फोटो लगा था यहाँ पे लगा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में वीवो के B23 फोन में आप लगा सकते हो अपने फ़ोन में, जो कि अच्छे से ये काम करेगा आपके वीवो के B23 फोन में कूलर स्क्रीन पे अपना फोटो एंड ये फोटो वगैरह जो कि वीडियोस वगैरह आप सेट कर सकते हो, जो कि मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया हूँ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंप्रेस करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।